shall take up the special mentions. Shri Ghanshyam Tiwari ji. माननीय सभापति महोदय, एंटीबायोटिक दवाइयों के दुरुपयोग को रोकने के संबंध में पिछले कुछ दशकों से बैक्टीरियल जीवाणु इन्फेक्शन संक्रमण से होने वाले रोगों की ज्यादा वृद्धि हुई है। एंटीबायोटिक दवाइयों के अंधाधुंध प्रयोग की वजह से जीवाणुओं ने अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लिया है। इन पर अब एंटीबायोटिक दवाइयों का असर ही नहीं हो रहा है और ये सुपर बग बन गए हैं। भारत में एंटीबायोटिक दवाइयों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके नतीजे बेहद गंभीर हैं। भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद ICMR के ताज़ा अध्ययन के अनुसार भारत के हर तीन स्वास्थ्य कारणों में से दो को भारत के दो तीन स्वास्थ्य वयस्कों में से दो को शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुका है, यानी उन पर एंटीबायोटिक दवाइयों बेअसर हो रही है। यदि स्थिति पर नियंत्रण नहीं हो पाया तब 10 साल बाद लगभग 1 करोड़ लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से काल कवलित होंगे और 2.4 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीने के लिए मजबूर होंगे। अतः आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि एंटीबायोटिक दवाइयों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा कठोर कदम उठाए जाए तथा WHO के दिशा निर्देशों को गंभीरता से पालन किया जाए, साथ ही वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। सभापति महोदय, मैं देश में अपरिचालित एवं अल्प अपरिचालित हवाई अड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने तथा आम जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने हेतु नागर विमानन मंत्रालय ने जो RCH क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक नाम से शुरू की है। उड़ान एक सतत योजना है जिसके अंतर्गत और अधिक गंतव्य स्टेशनों तथा मार्गों को शामिल करके समय समय पर बोलियों के चरण आयोजित किए जाते हैं। भारत सरकार ने राज्य सरकारों और भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण और सिविल एनक्लेवों के मौजूदा परिचालित अल्प परिचालित हवाई अड्डा और हवाई पट्टियों के उद्धार हेतु 4500 करोड़ रुपए के बजट का अनुमोदन भी किया है। इस योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने उड़ान योजना का लाभ उठाया है। इस योजना में देश में Tier 2 और Tier 3 शहरों के बीच में संपर्क पर ध्यान केंद्रित करती है। हमने यह भी देखा है कि कोविड महामारी का इस योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कुछ मार्गों के परिचालन में देरी तथा मार्गों में परिचालन बंद करने के कारण भी इस योजना की गति में फर्क पड़ा है। अवार्ड किए गए मार्गों पर परिचालनों की निरंतरता कायम न ही रहना ही इसका मुख्य कारण है। साथ ही एयरलाइन प्रचारकों का तैयार न होना भी इसमें विलम्ब का एक कारण है। अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय नागरिक विमानन मंत्री से निवेदन है कि इस योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले नए ग्रीनफील्ड विमान पत्तनों और उत्तर प्रदेश राज्य में बनाए जाने वाले नए ग्रीनफील्ड विमान पत्तनों की स्थिति का जिलेवार मूल्यांकन करके उनमें सुधार लाया जाए। साथ ही देश भर के सभी हवाई अड्डों पर जो मंत्रालय द्वारा चयनित किए गए हैं उन पर लंबित कार्य और औपचारिकताओं को पूर्ण करके उड़ान आरम्भ की जाए, जिससे कि देश का आम नागरिक भी अपने शहर से उड़ान भरने का आनंद ले सके। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री एला मैडम करीम। Chairman, sir, I raised the subject need to expedite Vikravandi Kumbavanam National Highway project in Tamil Nadu at the earliest. Sir, Vikravandi Kumbavanam National Highways project, namely in NH-45C, was proposed and started during the UPA regime, keeping in view the demand hassle-free transport in the Delta region. After feasible report and budget grant, the project work was started in March 2018, and it is still going on snail's pace. In some sections of the road, conditions are very poor and the people are facing a lot of inconvenience while travelling. For example, in Koliyanur Pinnalur section, the road conditions are very bad.
Kolroon Kollidam River Bridge in Anakkarai collapsed during construction stage, and therefore immediate action should be taken to construct the bridge and reinforce the strength of the bridge. Vikramandi Sethiyathoppu section NXC 45C is not getting completed, so also Solapuram Thanjavur section. People are facing lot of difficulties in commuting these places. Different contractors are taking up with this project, and the execution work is going very slow. I would request the Honorable Minister for Road Transport and National Highways to direct the NHAI authorities to closely monitor this project and should ensure the road construction project in this sector are completed in time-bound manner. For this purpose, they should depute the monitoring team to supervise and expedite the project. Thank you, sir. Thank you. Sir, associate, sir. Dr. Anil Sukhdev Rao Bande. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र की विदर्भ एरिया में संतरा उत्पादक किसान और संतरा निर्यातक किसानों को न्याय मांग रहा हूं। सर, विदर्भ का नागपुर और अमरावती डिवीजन संतरा के लिए प्रसिद्ध है, उसको जीआई मानांकन भी मिला है और टोटल 1,26,000 से ज़्यादा हेक्टर पे संतरा का उत्पादन होता है और 7 से 10 लाख मेट्रिक टन संतरा का प्रोड्यूस होता है। और संतरा ऐसा फल है कि जिसमें विटामिन सी है, पेक्टिन है, एंटीऑक्सीडेंट है और उसके वजह से हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि आरोग्य का महामंत्र, रोज खाओ एक संतरा। और ये संतरा एक्सपोर्ट होता है श्रीलंका और बांग्लादेश में, लेकिन सर श्रीलंका का एक्सपोर्ट तो अभी बंद है उनके इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण, लेकिन बांग्लादेश में इस एक्सपोर्ट की इंपोर्ट ड्यूटी 32 रुपये से 62 रुपये की गई है और उसके साथ साथ टके का भी डिवेल्यूएशन हुआ है। उसके वजह से बांग्लादेश में जो हमारा संतरा एक्सपोर्ट होता था वो टोटली बंद हो गया। उसके वजह से संतरा उत्पादक किसान और संतरा के एक्सपोर्टर बड़े प्रॉब्लम में आ गए। मेरी सरकार से विनंती है कि बांग्लादेश सरकार से बात करके इंपोर्ट ड्यूटी या तो कम करे या एक्सपोर्ट ड्यूटी में 25% 30% सब्सिडी संतरा उत्पादक किसानों को दे। सुनिए सुनिए, स्पेशल मेंशन में जो स्क्रिप्ट आपने जमा किया ऑफिस में, हाँ हाँ वही वही पाठ करना है, आप इम्प्रॉम्प्टू नहीं बोल सकते। अच्छा, नहीं दे सकते। हाँ वही तो, 25 to 30% सब्सिडी। मैंने आप देख के बोलिए, वहाँ पे जो लिखा है वो देख के बोलिए। अच्छा, यस, आई अर्ज गवर्नमेंट टू इंटरफेयर इन दिस मैटर टू रिड्यूस द इंपोर्ट ड्यूटी हाइक बाय द बांग्लादेश और सपोर्ट टू ऑरेंज एक्सपोर्टर बाय प्रोवाइडिंग 25% to 30% सब्सिडी टू कंटिन्यू ऑरेंज एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश। थैंक यू। थैंक यू। श्रीमती फूलो देवी न्यासम। अध्यक्ष सभापति महोदय, धन्यवाद देती हूँ, आपने महत्वपूर्ण विषय पे रखने का अवसर दिया। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से लागू करने एवं कर्जा माफी के संबंध में है। महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे किसानों के इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। आज खेती करना मुनाफे का सौदा नहीं रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद बीज की कीमत बढ़ रही है, बिजली के दाम कम नहीं हो रहे हैं, देश का किसान कर्ज लेकर खेती कर रहा है जिसे वह चुकाने में असमर्थ है। खेती में बढ़ रही लागत और फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलने के कारण 80% से अधिक किसान भारी कर्ज में हैं। जगह जगह किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान कर्ज से तभी निकल पाएगा जब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर सभी फसलों के लिए C2+50% के फार्मूले से MSP की गारंटी का कानून बनाया जाए। अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरी निवेदन है कि सभी किसानों के सभी प्रकार के कर्ज माफ किए जाए और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर MSP देने के लिए MSP की गारंटी का कानून बनाया जाए। धन्यवाद सभापति। धन्यवाद। डॉक्टर फौजिया खान। थैंक यू वाइस चेयरमैन सर।
Sir, the Indian pharmaceutical sector is the third largest in the world by volume. And thanks to its ethical procedures, it has created a name for itself. And India is now frequently referred to in cases in certain circles as the pharmacy of the world. In this regard, in the fiscal year 2021-22, India exported medicines worth rupees 175 lakh and 40 crore. However, in light of the recent 66 fatalities in Gambia, caused by the presence of a toxin that causes irreversible kidney damage, WHO has issued an alert. Sir, can I speak after this? Speak a little later. Dr. Shantanu Sen. My special mention is on need to regulate advertisement related to high fat, sugar and salt products. Sir, as per the National Family Health Survey 2019-20, the proportion of obese women in India has gone up to 24% from 20.6% in 2015 and 16, and that of obese men has increased to 22.9% from 18.9% in 2015 and 16. The relationship between obesity in adulthood and consumption of high fat, sugar and salt products has been examined and substantiated. A Center for Science and Environment survey with over 13,000 children in between 9 to 17 years shows that high screen time and the related exposure to advertisements is linked with frequent consumption of packaged food, beverage and fast food. Among the children who had screen time over 2 hours per day, 73% consumed such foods at least once a day. This percentage was 44% for those with less than 2 hours. Kids consuming content online or on TV along with parents makes it easier for them to influence household consumers' choices. The health cost of obesity is the long term in terms of cardiovascular disease, diabetes, etc., can be mitigated to a great extent by regulating these high fat, salt and sugar ads. In the short term, there should be a comprehensive, legally binding framework for regulations of these high fat, salt and sugar ads. These advertising of high fat, salt and sugar products needs to be regulated across various media, TV, radio, online and even outdoors. A time slot in the evening when children viewership is small should be reserved for these high fat, salt and sugar advertisements, and these advertisements should not be permitted to air during children's program like cartoons and games. Thank you so much. Thank you. Sri Bijay Sai Reddy ji. Thank you, Vice Chairman, sir. Sir, my special mention is on need to introduce the concept of family doctor under the National Health Mission. Sir, 75% of the healthcare facilities in India are concentrated in urban areas, catering just 27% of the population. There is an urgent need to decentralize healthcare in rural areas, and for this, the tradition of family doctor must be revived. Family doctors provide healthcare services to patients at grassroots levels. They address a wide range of health problems, either through direct treatment or by referring to specialist doctors, by filtering healthcare needs in rural areas. At the initial stage, the family doctor model can provide three benefits. First, it will bring down the dependence on informal healthcare providers. Second, it will reduce avoidable hospitalization through better diagnostic accuracy. Third, it will ensure cost efficiency by minimizing the burden on secondary and tertiary healthcare sectors. Sir, the Andhra Pradesh government, under the leadership of Honorable CM Sri YS Jagan Mohan Reddy Garu, is already leading by example. It has implemented family doctor model
on pilot basis in select districts. However, to ensure universal health care for all Indians, the family doctor model should be incorporated at national level. Thank you. For this, I urge the government to adopt a family doctor system within the National Health Mission. This will ensure accessibility, affordability, and adequacy of quality health care to all Indians. Thank you. Thank you very much. Sri Ajay Pratap Singh. माननीय उपसभापति महोदय, मेरे द्वारा पठित किया जाने वाला जो विशेष उल्लेख है वो मेरे गृह जिले सीधी में मेडिकल कॉलेज खोलने के संदर्भ में है। मूल पाठ इस प्रकार है। महोदय, सीधी जिला मध्य प्रदेश के दूरस्थ अंचल में छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता हुआ स्थित है। इस जिले में 7 तहसील एवं लगभग 12 लाख आबादी है। इस आबादी में बहुतायत संख्या में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की अनेक जाति एवं उपजाति निवास करती हैं। इनकी औसत आमदनी अत्यंत न्यून है, अतः बिना सरकारी मदद के स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय चुनौती का सामना करना यहाँ के निवासियों के लिए अत्यंत कठिन है। इसकी आवश्यकता पड़ने पर आपात स्थिति में इन गरीब वासियों को रीवा, जबलपुर, नागपुर, वाराणसी दौड़ना पड़ता है, प्रदेश जाकर वहां चिकित्सा कराना इन लोगों पर भारी आर्थिक बोझ है तथा इन स्थानों पर आपात स्थिति में पहुंच पाना भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। परिणाम स्वरूप अनेक रोगी असमय ही चिकित्सकीय सहायता न मिल पाने के कारण काल के गाल में समा जाते हैं। वर्तमान समय में सीधी जिला मुख्यालय में जिला अस्पताल स्थित है। इसके आधार पर वहां एक मेडिकल कॉलेज निर्मित किया जा सकता है, जिसकी सीधी जिले को अत्यंत आवश्यकता भी है। महोदय, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा है कि मेडिकल सुविधाओं का विस्तार हो, इसलिए विगत वर्षों में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 16 मेडिकल कॉलेज दिए थे। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि अगले चरण में जब आप और नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय करें तब हमारे गृह जिले सीधी को भी स्थान दें और वहां नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित करें। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री कैलाश सोनी जी। माननीय उपसभापति जी, आपके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को कोविड पूर्व दी जाने वाली रियायतें पुनः प्रारंभ करने का विषय रखना चाहता हूँ। मान्यवर, कोविड में पूर्व में सभी वरिष्ठ नागरिक जनों को रेल में 40% की छूट 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्रदाय की जाती थी, जो अब बंद हो गई है, जिससे देश भर में वरिष्ठ जनों को असुविधा का एवं कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। सरकार सभी तरह की चिंता न केवल वरिष्ठ जनों की वरन सकल समाज की कर रही है। आपके माध्यम से सरकार के ध्यान को इस महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिससे शीघ्रातिशीघ्र वरिष्ठ जनों को पूर्ववत सुविधा प्राप्त हो सके। धन्यवाद। श्री एम मोहम्मद अब्दुल्ला जी। श्री सुशील कुमार मोदी जी। Sir, my subject of special mention is regulation for paper lotteries and online betting in India. Sir, with 15 Indian states and all union territories have banned paper lotteries, Kerala, West Bengal, Punjab and some northeastern states continue to have legalized lotteries operating in the country. The Kerala and West Bengal governments collected ₹4,911 crore in FY21 and ₹1,027 crore in FY19 as the revenue from paper lotteries respectively. Moreover, with the advent of online betting and gambling platforms, this menace has absorbed people from all over the country.
The functioning of paper lotteries and online betting has significant socio-economic ramifications. In Kerala, the amount spent on lotteries increased from Rs. 625 crore to 12,000 crore between 1967 and 2020. Moreover, such activities adversely affect the economically weaker sections of the population, since they are more likely to purchase lottery tickets in a bid to secure monetary benefits. As a result, many lose a significant share of their income, which otherwise could have been utilized for productive purposes and for catering to essential household needs. Online betting platforms too entail many associated risks that can range from addiction, debt creation, and debt traps, dissociation from a family life and society, medical illness, aggression, to loss of life. Such exploitative platforms also adversely affect the nation's children and youth. In this light, I request the government to bring suitable legislation for curbing the menace of a lottery and online gambling to safeguard the social and economic interests of people. Thank you. Sri Pramod Tiwari ji. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के संबंध में महोदय पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें मानसून के दौरान आपकी हिंदी बहुत अच्छी है भाई साहब लेकिन आप हिंदी में पार्वती काली संधि मेज नदी के अधशेष पानी को बनास मोरल बाणगंगा गंभीर पार्वती और कालसिंध नदियों में पहुंचाने की परिकल्पना की गई है। परियोजना से राजस्थान के 13 जिलों में मनुष्यों पशुओं के लिए वर्ष 2051 तक पेयजल की उपलब्धता एवं बाढ़ और अकाल की परिस्थितियों में कमी लाई जाएगी। इसके अलावा 26 बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं तथा सिंचित क्षेत्रों का कायाकल्प एवं 2,00,000 हेक्टेयर नए सिंचित क्षेत्रों की सिंचाई भी हो सकेगी। इसके साथ ही 67,615 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण भी किया जाना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत 37,247 करोड़ आकी गई है। महोदय राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने के लिए लगातार निवेदन किया जा रहा है लेकिन इस संबंध में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के महत्व एवं आवश्यकता को देखते हुए शीघ्र राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए जिससे झालावाड़ कोटा बूंदी बारा सवाई माधोपुर टोंक जयपुर दौसा अलवर भरतपुर और धौलपुर को एक बड़ी आबादी को राहत मिल सकेगी। धन्यवाद। श्री सुजीत कुमार जी। सर माय स्पेशल मेंशन इज टू डिमांड फॉर न्यूज प्रोग्राम इन दूरदर्शन टू हाईलाइट द इश्यूज ऑफ द पीपल ऑफ द केवीके रीजन। सर दिस इज टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स एन इश्यू that is agitating the people in the undivided KBK region of Odisha at large and people of Kalahandi district specifically. Sir, KBK region happens to be amongst the most backward regions of the country and also an LWE affected region. AIR, All India Radio and Doordarshan are the only credible media channels which connect the region to the entire nation and the people largely depend upon these channels for awareness regarding the existing policies and schemes of the government as well as to highlight the issues and problems faced by the people. Sir, in the region, Doordarshan Kendra at the district headquarters of Bhavanipatna has been functioning since 3rd of September 2000 and has been telecasting programs on various socio-economic aspects of the people of the region via the Doordarshan Kendra at Bhuvaneshwar. However, no news program is in place to telecast the sensitive issues of the region, sir. Further, no repeated broadcast of the local program is being done
via the Doordarshan Kendra Bhubaneswar since the last 2 months, which also included the two main celebrations of the district, Ma Manikeshwari's Chhatar Yatra and the Budha Raja Dasara Festival, two of the most prominent events and festival of the locality. This has caused deep anguish to lakhs of devotees and people of the region. Sir, it is therefore requested that a program for the new slot be permitted to Doordarshan Kendra at Bhavanipatna by Prasar Bharati, so that the problems of the people of the KBK region at large and Kalahandi district in particular can be brought to the limelight for redressal, and also the rebroadcast of the local programs be resumed. Thank you. Thank you. Sri G.K. Bhasan. Thank you, Deputy Chairman, sir, for allowing me to raise an important matter relating to the difficulties faced by insurance agents. According to the Life Insurance Agents Federation of India, a set of proposals under the consideration of the Insurance Regulatory and Development Authority of India are likely to have an adverse impact on 13,26,000 agents of LIC who have helped create a base of 35 crore policyholders throughout the country, and therefore the proposals have to be decided upon after due consultation with all the stakeholders. The Federation has come up with a set of demands to boost the insurance sector and also protect the livelihood of agents. The Federation has asked for GST on policies to be removed to attract new policyholders, education interest on loans against policy so that policyholders do not close their existing policies, 2.5% increase in the commission for agents on policies to cope with the general price rise, a group insurance scheme for agents up to 80 years of age on lines of insurance for retired employees. A pension of Rs. 5,000 is being granted to small traders, mining sector and unorganized sector workers, and medical cover for agents under the Ayushman Bharat scheme. With these words, I urge the Union Government to look into the demands of the Life Insurance Agents Federation. Thank you, sir. Thank you, Sri Sandosh Kumar P. Need for caste census. Understanding castes is necessary to understand disparity in South Asia, especially in India, where society still operates by the rules of the caste system. Caste plays a particularly significant role in politics. Caste manifests in social, economic, political, and educational inequalities among various classes of the Indian society. Yet, there is no official caste census available except of Dalits and Adivasis, which is collected through the Census of India. In fact, a full caste census was last carried out about 90 years ago in 1931. Although an attempt was made in June 2011 to conduct socio-economic and caste census with an aim to understand the socio-economic status of rural and urban households, the complete report is yet to be published. The SECC data, excluding caste data, was finalized and published by the two ministries in 2016. Nothing has happened thereafter. The enumeration of castes and their populations and collection of data regarding their social backwardness and educational and economic status would provide a concrete basis for the formulation of social and economic policies. Even the reservation policies can be redefined on the basis of the latest caste census. If we are seriously concerned about the social hierarchy, caste-based discriminations and underrepresentation of various castes and communities, there is a critical need to conduct a comprehensive caste census. Concrete policies cannot be formulated in the absence of a concrete data. Hence, the government should take serious effort to conduct comprehensive caste census in the country. Sri Kishan Lal Pawar. धन्यवाद सभापति महोदय. मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि CAQM के निर्देशों के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 31/12/2022 के पश्चात कोयला ईंधन को जलाना बैन कर दिया है. बायोमास
ईंधन को मजदूर ईंधन घोषित किया कर दिया है, जिस पर एसपीएम की लिमिट को 800 से घटाकर 80 कर दिया है। पानीपत हरियाणा में विश्व भर में टेक्सटाइल के नाम से हब है। इस पानीपत उद्योगपतियों को पर्यावरण सुधार के लिए सजग हैं एवं पानीपत उद्योगपतियों द्वारा अपने बॉयलरों को कोला ईंधन को जलाना बंद कर दिया है। वे अपने बॉयलरों को बायोमास पर शिफ्ट कर लिया है, परंतु पानीपत अधिकतर उद्योगपति CAQM के निर्धारित SPM 800 से घटाकर जो 80 पर लाने में असमर्थ हैं, जिसके कारण पानीपत में लगभग 500 से ज़्यादा लघु उद्योग बंद हो गए हैं। अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पानीपत टेक्सटाइल उद्योगों को बचाने के लिए SPM की जो लिमिट है उसको बदलकर 80 से कम 300 कर दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद श्री ईराना कराड़ी। बहुत शानदार। उपसभापति महोदय, बेलगाम से मुंबई और हैदराबाद तक प्रतिदिन रेल सेवा प्रारंभ करने के विषय में, बेलगाम ऐतिहासिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री मुंबई और हैदराबाद तक की यात्रा शैक्षणिक, पर्यटन और उद्योग के उद्देश्य से करते हैं, जिसके लिए उन्हें घंटे का समय लगता है। मुंबई और हैदराबाद तक यात्रा करने के लिए अभी बस सेवा और राजमार्ग उपलब्ध है, लेकिन यातायात के कारण उसमें समय का नुकसान होता है। वर्तमान में बेलगाम से मुंबई हैदराबाद तक कोई भी सीधी ट्रेन नहीं है और त्योहारों के समय बस से यात्रा करने के लिए लोगों को दुगुना या तीन गुना किराया देना पड़ता है। पिछले कई वर्षों से जनता की मांग है कि इन शहरों के बीच रेलवे सेवा प्रतिदिन शुरू की जाए, जिससे मेरा जिला के लोगों के मेरे क्षेत्रों के लोगों के सुगम तरह से यात्रा करने की सुविधा मिले। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि रेल मंत्रालय तत्काल इस पर विचार करे और बेलगाम से मुंबई हैदराबाद जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने के लिए रेल सेवा शुरू करे, जिससे पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा और यात्रियों के संख्या ज़्यादा होने से रेलवे को राजस्व भी मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर किरोदीलाल मीना। माननीय उपसभापति जी, देश में धर्मांतरित अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिल रहे आरक्षण को बंद करने के संबंध में, देश की जनजातियों के विकास एवं उन्नति के लिए संविधान निर्माताओं ने आरक्षण अन्य सुविधाओं का प्रावधान किया था, किंतु कालांतर में ईसाई होने की शर्त पर धर्मांतरित हुए लोगों ने संस्कृति, आस्था एवं परंपराओं को त्याग दिया, फिर भी उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। 17 नवंबर 1969 को एक संयुक्त संसदीय समिति ने लोकसभा में इसको लेकर संशोधन प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है उन्हें अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा, किंतु ये लोग आरक्षण का बड़े पैमाने पर फायदा उठा रहे हैं और मूल जनजाति के लोग आरक्षण की सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। अपना धर्म त्याग कर ईसाई बने जाने वाले अनुसूचित जनजाति के आरक्षित स्थानों पर अधिकार जमाते जा रहे हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार बनाम चंद्रमोहन AIR 2004 SC 1672 एवं एवना लांगकेई रिम्बई बनाम जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एवं अन्य 2006 में अपने निर्णय में कहा है कि धर्मांतरण के बाद ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का नहीं माना जा सकता। संसद में अभी तक इस तरह का कोई संशोधन विधेयक नहीं लाया गया है जिसमें भारतीय ईसाइयों को अनुसूचित जनजाति में रखा हो। संविधान
अनुसूचित जाति अधिनियम 1960 खंडिका 2 में जो हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को मानता हो वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा। आज की भांति मूल जनजाति के आरक्षण में भी इस तरह का प्रावधान किया जाना बहुत आवश्यक है। ये विडंबना है कि धर्मांतरित लोग अल्पसंख्यक का फायदा भी उठाते हैं और अनुसूचित जनजाति का फायदा उठाकर दोहरा लाभ ले रहे हैं, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि धर्मांतरित अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिल रहे आरक्षण को बंद किया जाए। धन्यवाद। On the Christian, on the national also. Sir, one minute. Thank you, sir. My special mention is based on the concerns over rupees 10 lakh crore write-offs to banks by government. Sir, a right to information reply from the Reserve Bank of India to a newspaper has unearthed that there has been a huge amount of write-offs of over rupees 10 lakh crores in the last 5 years to banks by the government and an increase in non-performing assets. The sum of write-offs amount to about 61% of India's gross fiscal deficit. According to data, 2,700 willful defaulters were recorded in 2021-22. This number was 2,840 in 2020-2021. Silence, please. Sir, the non-performing assets have reduced considerably for banks. The State Bank of India saw a rupees 2.04 lakh crore reduction. Punjab National Bank saw a reduction of rupees 67,000 crores and Bank of Baroda of rupees 66,000 crores in the last 5 years. However, after receiving such write-offs repeatedly, the banks have no incentive to recover the said loans. This is evident in the fact that only 13% of these loans have been recovered so far. Public sector banks account for 73% of such write-offs reported. There is no policy on recovery of such loans and also the manner of recovery, leaving the process of collection of loans entirely to the discretion of the banks. Hence, there is a need to form an uniform policy for recovery of loans. In this light, sir, I urge the government to find a solution to the concern of write-offs to the banks and their recovery henceforth. Thank you, sir. Thank you. Sri Bijay Pal Singh Tomar. दिल भर सभापति महोदय, मैं ऐसी जटिल समस्या है किसानों की, जो करोड़ों किसान वंचित हैं अभी किसान सम्मान निधि से। माननीय महोदय, माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के किसानों के हित में उठाया गया एक सराहनीय कदम है। अब तक 2,15,000 करोड़ रुपए से अधिक किसानों के खातों में जा चुका है। 6,000 रुपये सालाना देश के किसानों के खाते में जा रहा है, इसका भारी स्वागत किया गया है। देश के 14 करोड़ किसानों में से आयकर दाता केवल 10,000 रुपये से अधिक पेंशन वाले, वर्तमान व पूर्व संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति, आयकर देने वाले व्यक्ति, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी व वर्तमान कर्मचारी, केंद्र व राज्य के पूर्व वर्तमान मंत्रीगण, स्थानीय निकाय के वर्तमान कर्मचारी, जिला पंचायत सदस्य और पूर्व अध्यक्ष, नगर निगम के पूर्व मेयर, वर्तमान मेयर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट आदि को छोड़कर शेष सब कृषक पात्रता की सूची में आते हैं। पात्रता निर्धारित करने के लिए तहसीलदार सक्षम अधिकारी होता है। देश के करोड़ों किसान जो पात्र हैं, उन्हें किसान सम्मान निधि इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि उनकी पात्रता निर्धारित नहीं हो रही। कई देश में 10 करोड़ से अधिक किसानों को निधि मिल रही है। कुछ प्रदेशों ने तो इसलिए इस योजना को वर्षों तक लटकाए रखा, नहीं लागू किया क्योंकि इस योजना में यशस्वी प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा है, लेकिन लागू किया है तो रिव्यू ने रिकॉर्ड ठीक नहीं कर रहे हैं। कई प्रदेशों में किसान तहसील और ब्लॉक के बीच चक्कर काटता रहता है, लेकिन पात्र होने के बाद भी उसकी पात्रता निर्धारित नहीं की जाती, जिससे देश के करोड़ों किसान अभी भी वंचित हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि पात्रता निर्धारण के लिए तहसीलदार के साथ
संबंधित बैंक प्रबंधक कृषि अधिकारी की एक कमेटी बनाई जाए, उनकी जवाबदेही हो और निश्चित समय में सभी पात्र किसानों को सम्मान निधि ताकि दी जा सके, पात्रता निर्धारित की जा सके और किसानों को उत्पीड़न से बचाए। धन्यवाद। श्री विप्लव कुमार देव। महोदय, देश में 100 सैनिक स्कूल खोलने के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को त्रिपुरा में साकार करने के प्रयास में प्रदेश सरकार ने असम राइफल से आग्रह किया है। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ पत्र एवं अन्य माध्यमों से संवाद किया है, मगर इस मामले पर असम राइफल्स की ओर से अभी तक सकारात्मकता नज़र नहीं आई है। आपके मार्फत मैं वह बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में असम राइफल को ज़मीन दी है। इन ज़मीनों में कुछ पर असम राइफल्स की कोई गतिविधि नहीं है। ऐसी ही ज़मीनों में उदयपुर और तेलियामुरा में असम राइफल्स की ज़मीनें हैं जिन पर कोई गतिविधि नहीं है। इसमें से किसी एक ज़मीन पर सैनिक स्कूल खोलने के लिए असम राइफल्स की अनुमति मांगी गई है। अगर वह सैनिक स्कूल की अनुमति दे दे तो राज्य के बच्चों के हित के लिए लाभकारी रहेगा। मामले में प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र भी लिखा है और संवाद भी किया है। राज्य सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के सपने को त्रिपुरा में साकार करने के बाबत तेलियामुरा या उदयपुर किसी एक में असम राइफल के उक्त जमीन पर सैनिक स्कूल खोलना चाहती है, अतः असम राइफल्स इसकी अनुमति प्रदान करें। राज्य सरकार द्वारा वो भी जानकारी प्रदान की गई है कि तेलियामुरा और उदयपुर स्थित जमीन पर असम राइफल की कोई गतिविधि नहीं है, अतः वह अनुमति दे ताकि हम सैनिक स्कूल बना सके। आपसे आग्रह है कि मामले में हस्तक्षेप करें और सरकार को निर्देशित करें कि त्रिपुरा के उदयपुर व तेलियामुरा में स्थित असम राइफल राज्य सरकार को सैनिक स्कूल खोलने की अनुमति प्रदान करें। महोदय, सैनिक स्कूल होने से त्रिपुरा के हमारे बच्चों को न केवल मूल्य आधारित उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सकेगी, बल्कि देशभक्ति, सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सेवाओं, न्यायिक सेवाओं और विज्ञान प्रौद्योगिकी उद्यमियता जैसे अन्य क्षेत्रों में भी तैयारी के लिए उन्हें उचित अवसर मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती मौसम नूर। चेयरमैन सर, माय स्पेशल मेंशन इज ऑन पॉपुलेशन क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग ऑफ न्यू एकलव्या ट्राइबल स्कूल शुड बी रिवोक्ड। The government has planned to set up 740 tribal schools called Eklavya Model Residential Schools. Conceptualized in 1997-98, similar to Kendra Vidyalayas and Navo Vidyalayas, the EMRS have endeavored to make high quality education accessible to tribal children by also retaining their cultural traditions. Earlier, the scheme provided for the union government to sanction a certain number of schools and the states and union territories would seek more as required. The only requirement was a land area of 20 acres and the funds would come from the grants under Article 275, Clause 1. We have 384 of these schools across the country presently. The new guidelines require 15 acres and for the school to be set up in sub-districts where more than 20,000 scheduled tribe people reside, comprising at least 50% of the population. However, this is likely to significantly disadvantage scattered populations of tribal people who will have to travel far distances to access education. The Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment has also recommended that the criteria be reviewed, pointing out that many forest and hill districts would have trouble finding 15 contiguous acres of land for setting up of the school. I urge the Tribal Affairs Ministry and the National Education Society for Tribal Students to review the guidelines urgently. Thank you, sir. Thank you. Sri GBL Narasimha Rao ji. Upsabhapati ji, mera special mention
विशेष उल्लेख विशाखापट्टनम से वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों के लिए नए ट्रेनों की मंजूरी को लेकर है। विशाखापट्टनम में उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 लाख से अधिक लोगों की एक बड़ी आबादी है जिन्होंने विशाखापट्टनम को अपना स्थायी घर बना लिया है। वे पूर्वी नौसेना कमान, कई केंद्र सरकारी सेंट्रल पीएसयूज में, निजी कंपनियों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा लाखों तीर्थयात्री विशाखापट्टनम शहर क्षेत्र से तीर्थ यात्रा के लिए वाराणसी जाते हैं। वे प्रयागराज, अयोध्या और गोरखपुर भी जाते हैं। विशाखापट्टनम से वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और लखनऊ तक ट्रेन कनेक्टिविटी की सख्त जरूरत है। दुर्भाग्य से विशाखापट्टनम से इन शहरों के लिए एक भी ट्रेन नहीं है। वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों के लिए सीधी ट्रेन कनेक्टिविटी का अभाव उत्तर प्रदेश के प्रवासियों और स्थानीय तीर्थयात्रियों दोनों को बड़ी कठिनाई में डालता है। 5 साल पहले विशाखापट्टनम से वाराणसी के लिए शुरू होने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने का फैसला लिया गया था, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया। द्विसाप्ताहिक संबलपुर वाराणसी SBP BSB एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 18311 को वापस विशाखापट्टनम तक विस्तारित करने के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे जोनल रेलवे मुख्यालय ने भुवनेश्वर द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया है। यह फैसला भी रेलवे बोर्ड के पास लंबित है। सर, विशाखापट्टनम से वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों के लिए ट्रेनों की संचालन में देरी और तत्काल आवश्यकता को देखते हुए मैं रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड से SBP BSB एक्सप्रेस को तुरंत विशाखापट्टनम तक विस्तारित करने और उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों के लिए नए ट्रेनों की शुरुआत को मंजूरी देने की अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद श्री इमरान प्रतापगढ़ी। महोदय, मेरा जो आज का विषय है वो है डिमांड टू कॉन्स्टिट्यूट कमेटी टू एग्जामिन द साइड इफेक्ट ऑफ कोविड वैक्सीन इन द लाइट ऑफ सडन डेथ्स ऑफ पीपल इन द कंट्री। सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसे जरूरी विषय के लिए खड़ा हुआ हूँ जिसका ताल्लुक सियासत से नहीं है बल्कि हमारी आपकी जिंदगियों से है। इन दिनों ऐसे ऐसे विजुअल हमारे सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर हम सबको एक ऐसी तबाही के बारे में सोचना शुरू करना होगा जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। इस उच्च सदन की जिम्मेदारी है कि ऐसे गंभीर विषय पर यहां बात रखी जाए। हम देख रहे हैं कि जिम में वर्कआउट करते हुए लोग गिर रहे हैं और दम तोड़ दे रहे हैं। क्रिकेट खेलते हुए एक बच्चा गिर के दम तोड़ दे रहा है। डांस करते करते लोग मर रहे हैं और खुशियां मातम में बदल जा रही हैं। मेरठ में एक 16 साल का बच्चा दोस्तों के साथ सड़क पर चलते चलते गिरा और दम तोड़ गया। ये विजुअल बहुत डरावने हैं, कोई इस पर बात तक नहीं कर रहा है। मैं हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य हूं, मैंने वहां भी अपील की कि इस विषय पर रिसर्च किया जाए कि आखिर कौन सी बीमारी है कि जिसके चलते लोग लम्हा भर में जान गंवा दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि लोगों में डर का माहौल है। कोई इसे कोविड का साइड इफेक्ट कह रहा है, कोई वैक्सीन का। मेरा अनुरोध है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अर्जेंट एक कमेटी गठित करे और जांच करे कि इन मौतों का कारण क्या है। धन्यवाद। धन्यवाद। The House stands adjourned to meet at 11 hours on Wednesday, the 14th December 2022.